अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तमाम भाई बुजुर्ग अच्छे में होंगे, मुझे उम्मीद है। अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्त दे और कामयाबी अता फरमाए। आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल सामने में आ रहा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन जिसको बोल रहे हैं। चलो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के नबी के सुन्नत पर, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम जितना हौसले से रबीउल अव्वल मनाते हैं, उसी हौसले से सुन्नत को और शरीयत को अपनाना चाहिए। हकीकत बात है, जब हम सुन्नत और शरीयत को अपनाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ में कामयाबी अता फरमाएंगे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे। सबसे पहले मेरा दुनिया सजाड़ देंगे, फिर आखिरत जो है वो सजाड़ देंगे। जब हम इसको सुन्नत शरीयत पर आ जाएंगे, तो रबीउल अव्वल जो कर रहे हैं या जो मना रहे हैं, ये हम नहीं बल्कि पूरा आलम मनाएगा। अरे हम मुसलमान नहीं बल्कि पूरा आलम मनाएगा, पूरा आलम नबी को पहचान पाएगा। इसलिए हमें नबी को पहचानना है, नबी कौन है, नबी क्या है। खाली रबीउल अव्वल मना लेने से कोई मैंने कामयाबी नहीं, क्या कामयाबी नहीं है तो बोलूँगा नहीं, कामयाबी इसी में मिल जाएगा। कोई मैंने ठिकाना नहीं है, कोई मैंने सबूत नहीं कि मैं रबीउल अव्वल मना लूँगा फिर कामयाब हो जाऊँगा। नहीं, रबीउल अव्वल के साथ साथ हमें हर कोई सुन्नत को, शरीयत को, उसके हर कोई फ़र्ज को, पहले तो फ़र्ज को अदा करना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज है। इसको हम जब अदा करेंगे, अल्लाह तबारक ना हमें दुनिया में तो इज़्ज़त, चैन, सुकून, राहत देंगे, मौत के बाद जन्नत देंगे, अल्लाह से मुलाकात करने का तौफीक मिल जाएगा हमें। तो इसलिए हमें पर फ़र्ज को अदा करना है। अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, दुनिया वाले राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह नाराज़ होंगे, दुनिया वाले नाराज़ हो जाएंगे। आज दुनिया वाले क्यों मुसलमानों पर हावी हैं, क्यों ईमान वाले पर हावी हैं? क्योंकि अल्लाह नाराज़ है, इसलिए मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर हावी हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह को राज़ी कराना है। अल्लाह को राज़ी करने का तरीका, वाहिद तरीका है कि हम मस्जिद को आबाद करें, हम मस्जिद को जाएं, मस्जिद को हर नमाजों में पाँच वक्त की नमाज नहीं बल्कि ऐसे वक्त भी जाएं, सीखना सिखाने के नस्बत से, कुरान सीखने के नस्बत से, दीन सीखने के नस्बत से मस्जिद को जाएं। नमाज तो पढ़ना है, फ़र्ज नमाज तो इसे किसी हाल में छाड़ नहीं है। लेकिन है अफसोस, इसी बात का अफसोस है कि मुसलमान आज नमाज छोड़कर बैठा है। 500 आबादी है इलाके में, 500 आबादी है लेकिन नमाजी 50 है, 30 है। तो फिक्र इसी बात का है, कैसे हमारे नमाजी बढ़ जाए, हमारे नमाज मस्जिद में सारे साथी जितने बालिक मर्द सब के मस्जिद को आ जाए। मस्जिद को आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का दिन पूरा आलम में पहुँच जाएगा, हम कामयाब होंगे। अल्लाह का हुकूमत इस दुनिया में होगा, आखिरत में होगा। ईमान वाले का हुकूमत यहाँ भी होगा, जैसे हुकूमत करते थे वैसे हुकूमत यहाँ भी करेंगे। इसलिए कोशिश करना है हम अल्लाह को मानकर उसके अहकाम को पूरा करके चलें, कि बनाने वाला रब है, आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, थका नहीं, और हमको 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 अपना रोजी रोटी देने में थक जाएगा, हम उसी में रख कर अल्लाह को भूल जाए, नहीं, गलत बात। तो इसी नस्बत से हम अल्लाह को पहचानें। मेरा सबसे गुजारिश है कि रबीउल अव्वल मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ उस दिन फ़र्ज का अहतमाम हो, सुन्नत का अहतमाम हो। लेकिन उसी दिन बड़ा अफसोस है, उसी दिन रबीउल अव्वल के मैंने जलसे में रहकर, जुलूस में रहकर हमारा फ़र्ज भी ज़ाया हो जाता है, सुन्नत भी ज़ाया हो जाता है, नमाज भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मेरा गुजारिश सारे भाइयों से है कि उस दिन फ़र्ज का भी अदा करें, फ़र्ज भी अदा करें, सुन्नत भी अदा करें। किसी दर्जे का नमाज जाया ना हो रबीउल अव्वल के दिन में, सबसे बड़ी गुजारिश है। हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ कि रबीउल अव्वल के दिन में नमाज का पाबंदी हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारकला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा करके दुनिया में उजाला पैदा फरमाता, मेरे जरिए काम ले ले, अल्लाह तला मेरे जरिए से दुनिया में कुछ हरकत पैदा हो जाए ईमान के नस्बत से। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी मौत तक के लिए दावत के मुबारक मेहनत में काम में जुड़ के रखे, आपको भी ईमान मिल जाना ये बड़ा फ़ख्र का बात है, ईमान को बचा के लेके जाना फ़िक्र का बात है, हम फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए अमल करने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।